हेलो फ्रेंड्स जिंदगी एक जादू है तो जरूर एक दिन चमत्कार होगा जिंदगी एक जादू है तो जरूर एक दिन चमत्कार होगा मंजिल तेरे करीब है बस बढ़ाना तुझे रफ्तार होगा तुझे तुझे अगर तुझे लगता है कि दुनिया तुझे समझती है एरा गहरा अगर तुझे लगता है कि दुनिया तुझे समझती है एरा अगेरा रख हौसला कर यकीन एक दिन सफलता तेरा क्या होगा बच्चे हथियार होगा ठीक है तो इसी प्यारे से थॉट के साथ हम क्लास को स्टार्ट कर, करते हैं आज हम देखेंगे यहाँ पर जनगणना और गाइस मैं हूँ छवि जो कि आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज जनगणना भारत की ठीक है आप लोगों का बहुत मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपके प्लेटफॉर्म एग्जाम दृष्टि पर तो गाय सभी लोग लाइव आ जाएंगे ठीक है और सेशन को क्या करेंगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे चलिए तो गाय सेशन स्टार्ट करते हैं हम सभी लाइव आएंगे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे याद से ओके बच्चे चलिए हम्म एक मिनट में आप लोगों के कमेंट्स ऑन कर ले रही हूँ बच्चे मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं चले तो वेरी वेरी गुड इवनिंग है सभी स्टूडेंट्स को मेरा क्लास में एंड मोस्ट वेलकम है गाइस आप लोगों को आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं गाइस जनगणना ठीक है जनगणना के बहुत सारे पहलू देखेंगे हम इसके फायदे भी क्या हैं नुकसान क्या है ये भी देखेंगे हम कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके क्या फायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं ये सारी चीजें देखेंगे ठीक है कौन सा राज्य क्या कैसा प्रदर्शन कर रहा है सब कुछ हम देखेंगे ठीक है हमारे देश में कितनी क्या बोलते हैं जनजातियां हैं सब चीज देखेंगे तो गाइस हम पॉपुलेशन को देखेंगे आज भारत की जनगणना तो बच्चे हम देखते हैं पहले देखिए सबसे पहले क्या हुआ था जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी स्वीडन से होती है है ना अगर कहा जाए कि आधुनिक विश्व में अगर व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई स्वीडन से हुई कब हुई गाइस सेवनटीन 17... कब हुई एक सेकेंड कब हुई 1749 1749 से आधुनिक विश्व की अगर बात करें तो जनगणना की शुरुआत होती है ठीक है लेकिन अगर दशकीय जनगणना की बात करें दशकीय का मतलब होता है बच्चे दस वर्ष में जो एक बार जनगणना कराई जाती है जैसे कि हमारे इंडिया में भी होती है 2001 में हुई फिर 2011 में है ना तो जो दशकीय जनगणना होती है उसकी शुरुआत कहां से हुई बच्चे अमेरिका से हुई सेवनटीन से ठीक है सत्रह से तो इसको याद रखेंगे तो ये तो आपका हो गया छोटा सा फैक्ट एक यहाँ पे फैक्ट और है अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि प्रॉपर तरीके से किस कंट्री ने प्रॉपर तरीके से किस कंट्री ने जनगणना कराना शुरू किया तो बच्चे वो होगा आपका इंग्लैंड ठीक है इंग्लैंड होगा कब से 1801 से ठीक है तो ये डेट आपको याद रखनी है ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भारत का तो सभी को पता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता होता है है ठीक तो चले सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं बच्चे की हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वह कितनी है वह है एक करोड़ ठीक है टोटल एक करोड़ की समथिंग आबादी है ठीक है करोड़ हमारे भारत की पॉपुलेशन है ओके okay, बच्चे चले सभी एक बार थम अप करेंगे सभी को वॉइस एकदम ठीक आ रही है एक बार थमअप करेंगे कि यस ताकि मुझे तो जनगणना भारत में पहली जनगणना कब हुई तो कब हुई इसकी शुरुआत अठारह से हुई बच्चे किसके कार्यकाल में उस समय लॉर्ड मेयो जो थे लॉर्ड मेयो जो थे गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में शुरू हुई कब 1872 में भारत में पहली जनगणना अब पकड़ना पॉइंट सारे पॉइंट अपने आप में बहुत अलग होंगे थम अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स की यस मैम एकदम सब ठीक है चलिए ओके अब आते हैं यहाँ पे बोर्ड पे आइए सारे मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट तो भी skip नहीं करना है कहीं नहीं जाना है बस पे रहना है है ठीक बीच में में हम आपको इनके negative population के बारे में भी थोड़ा सा negative and positive point बताएंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को चलिए देश में अगर नियमित जन जनगणना की बात करें देश में भारत की बात हो रही है नियमित अगर रूप से जनगणना कराई गई तो अठारह में इक्यासी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ठीक है देखते हैं स्वतंत्र भारत जब हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हो गया ठीक है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई ठीक है 1951 में तो याद रखेंगे जनगणना का अगर महाविभाजक वर्ष की बात की जाए बच्चे तो 1921 होगा महाविभाजक वर्ष जिसको ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं ठीक है ग्रेट डिवाइड ईयर की बात की जाए तो नाइनटीन होगा बताएंगे ये क्यों महाविभाजक वर्ष हुआ पहले देखते हैं हम जो हमारा मिनी डिवाइड ईयर है जो लघु विभाजक वर्ष है वह कब है उन्नीस में 1951 में तो बच्चे यहाँ पे क्यों जनसंख्या महाविभाजक वर्ष क्यों मनाया जाता है 1921 में यहाँ पे क्या हुआ था बच्चे 1911 देखिए 1911 से 1921 का जो पीरियड था माय डियर ऐसा पीरियड था बच्चे यहाँ पे क्या हुआ था बहुत सारी तो डिसीजेस फैली हुई थी इन्फ्लुएंजा बहुत अपने चरम पर पहुंच गया था अकाल सूखा इन सब चीजों से और प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर क्या है बच्चे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था चल रहा था उसकी वजह से क्या है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जनमानस की हानि हुई बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन एक तरीके से यहाँ पे घटेगी आबादी यहाँ पे घटेगी क्या एक तरीके से यहाँ पे आबादी क्या माइनस में चली गई किसमें माइनस में चली गई ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे कि क्या क्या कारण थे आबादी के माइनस में जाने के जिस कारण 1921 में महाविभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर मनाया जाता है ठीक है तो ये दोनों पॉइंट हो गए चलिए जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर मनाई जाती है अगर जनगणना की अवधि देखी जाए कि कब से कब जनगणना कराई जाती है तो प्रत्येक 10 वर्ष पे कराई जाती है 2001 में कराई गई थी 2011 में अब 2021 में कराई जानी थी जो पेंडेमिक आ गया तो उसके कारण प्रॉब्लम हो गई चलिए गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग है मोस्ट मोस्ट वेलकम है सभी को क्लास में चले देखते हैं जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे तो ये कहलाता है डेमोग्राफी अगर जनसंख्या का अध्ययन देखा जाए तो डेमोग्राफी कहलाता है ठीक है अब देखते हैं जनगणना का क्रम देख ले रहे हैं ये देश की कौन से नंबर की जनगणना है बच्चे तो ये है पंद्रवे नंबर की है ना फिफ्टीन जो नंबर की जनगणना है ये देश की और ये हमारे स्वतंत्र भारत की सातवें नंबर की जनगणना है देखा जाए तो पूरे ओवरऑल तरीके से नंबर की जनगणना है भारत में कराई जाने वाली लेकिन स्वतंत्र भारत की सातवें जनगणना है लेकिन बच्चे अगर पूछ लिया जाए कि 21 सेंचुरी की की कौन से नंबर जनगणना है तो ये कौन सी होगी माय डियर ये होगी सेकंड नंबर की है ना दो में हुई फिर 2011 में ठीक है तो इस सेकंड नंबर की जनगणना हम 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? उसके आंकड़े 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था हमारी जनगणना हमारा

जनगणना किस सूची का विषय है तो माई डियर यह है संघ सूची का विषय ठीक है संवर्ती सूची में तीन सूचियां हैं संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची सम्वर्ती सूची वह होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं कोई भी कानून ठीक है तो संवर्ती सूची का विषय जो है पॉपुलेशन है दोनों को ही कंट्रोल करनी है पॉपुलेशन ठीक है लेकिन जनगणना जो कराने का दायित्व होता है एक तरीके से संघ सूची का विषय है संघ सरकार पे होता है ठीक है समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ पॉइंट अच्छे समझ में जहां पे पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है आप मुझे थवक करेंगी कि हाँ मैम समझ में आ रहा है चलिए चलिए देखते हैं आगे बच्चे ये हम पॉइंट देख चुके हैं सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना स्वीडन में हुई 1749 में है ना दशक जनगणना अमेरिका में हुई सत्रह में चले चलते हैं आगे देखते हैं उत्तरी गोलार्थ में अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा देखते हैं उत्तरी गोलार्थ उत्तरी गोलार्थ में नब्बे प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि दक्षिणी गोलार्थ में मात्र दस परसेंट जनसंख्या निवास करती है रीजन रीजन ये है माइडिया देखिए ये है आपका गोलार्ध उत्तरी में 90 परसेंट दक्षिणी में 10 परसेंट अब देखिए रीजन इसका क्या होगा बच्चे रीजन ये होगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये हमारी इक्वेटर जा रही है ये हमारी इक्वेटर है जीरो डिग्री ये क्या है हमारा जीरो डिग्री है तो भाई उत्तरी गोलार्ध में सभी बच्चे देख पा रहे होंगे कि जितना भी लैंड है ठीक है जितनी भी भूमि है सारी कहाँ है उत्तरी गोलार्ध में है नीचे बहुत ही छुटपुट छुटपुट थोड़ी थोड़ी भूमि है थोड़ा लैंड है तो भाई जहाँ पे जल होगा जहाँ पे पानी होगा वाटर होगा वहां पे जनसंख्या ऑलरेडी कम होगी जहां पर लैंड होगा मनुष्य तो भाई वहीं पे बसेगा ना तो इसीलिए 90 परसेंट जो पॉपुलेशन है वह कहाँ है उत्तरी गोलार्ध में एंड 10 परसेंट पॉपुलेशन निवास करती है आपके दक्षिणी गोलार्ध में समझ में आ गया कौन चलिए तो इस चीजों को इस चीज को याद रखेंगे अब देखते हैं 2011 की जो जनगणना है इसका इसका शुभंकर कब से से हुआ बच्चे अप्रैल 2010 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब हुआ तो एक अप्रैल 2010 से हुआ याद रखेंगे ठीक है जनसंख्या हमारे भारत की कितनी है 121 करोड़ हम बता चुके थे लगभग बस देखिए आपको डाटा कोई भी अगर बहुत लंबा डाटा होता है न, जैसे हम बजट पढ़ते हैं तो हमें डाटा हमेशा इसी तरीके से याद करना होगा कि हम आगे का पकड़ेंगे और पीछे का ठीक है अब देखते हैं बच्चे करोड़ में देख चुके हैं एक करोड़ हमारी पॉपुलेशन है अरब में देखते हैं वन अरब हमारी पॉपुलेशन है मिलियंस में 1210 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है ठीक है तो भैया बहुत ज्यादा बढ़ गई है पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें भी आगे कोई कदम उठाने पड़ेंगे ठीक है युवा पीढ़ी है सभी तो जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी होने वाली है कोशिश करें बच्चे दो ही अच्छे है ना इस टैगलाइन को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें चलिए भारत में विश्व जनसंख्या का भाग सत्रह निवास करता है

चलिए देखते हैं आगे सेशन समझ में आ रहा है बच्चे सेशन सभी को समझ में आ रहा है चलिए क्या बात है बड़ी हंसी आ रही है क्यों हंसी आ रही है भाई बच्चे दो ही अच्छे इसीलिए है ही बच्चे दो ही अच्छे देखिए जनसंख्या पॉपुलेशन पॉपुलेशन का बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट बहुत सारा होता है नेगेटिव पॉइंट बहुत होते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी ठीक है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा संसाधनों की कमी होगी संसाधनों की कमी क्यों होगी भाई ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी ना जनसंख्या बढ़ेगी संसाधनों की कमी होगी लैंड की जरूरत होगी ज्यादा ज्यादा अगर हमें लैंड भूमि की जरूरत होगी तो हम वन काटेंगे वनों को काटने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी पॉल्यूशन बढ़ेगा बीमारियां बहुत सारी डिसीज फैलेगी है ना महंगाई बढ़ेगी इतने सारे नुकसान

इंडियन जो है सूसू भी करते ना तो पूरा पाकिस्तान बह जाए है ना <laughs> तो फायदे भी अपने तरीके से एक तरीके से देखे जाए और एक दबदबा है पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा उसका दबदबा बहुत ज्यादा होता है तो भैया हर चीज के अपने नुकसान और फायदे होते हैं तो चलते हैं आगे देखते हैं उन्नीस से उन्नीस 1901 से 1911 तक जनसंख्या क्या रही बच्चे स्थिर रही एकदम स्थिर रही ना तो बढ़ी ना घटी एक तरीके से एक बहाव में बहती रही ठीक है देखते हैं 1911 से 21 के बीच में बता चुके हैं ग्रेट ईयर महान विभाजक वर्ष रहा ठीक है जनसंख्या पहली बार क्या हुआ घटी घटी नहीं भाई मैं तो कहूंगी कि माइनस में रही घटी नहीं थी माय डियर माइनस में रही थी कितना जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंट रही थी माइनस में पॉपुलेशन पहुंच गई थी रीजन बता चुके हैं पीछे क्लास में चलिए इस काल में इंफ्लुएंजा फैल गया था प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था बहुत सारे अकाल वगैरह पड़ रहे थे तो ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं चलिए बच्चों को बड़ी हंसी आ रही है भाई बच्चे सेशन को ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे मैं आपके लिए यहां मेहनत करती हूँ आपका कोई टैक्स नहीं लगता है आप एक प्यारा सा अपने जैसा प्यारा सा लाइक देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ठीक है और जिसने भी सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब याद से कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके अब देखिए उन्नीस को महाविभाजक वर्ष बोलते हैं देख चुके हैं उन्नीस से उन्नीस तक धीमी गति से जनसंख्या बढ़ी ठीक है 1921 से 51 तक क्या है बहुत ही स्लोली स्लोली जनसंख्या बढ़ी गाइस बहुत ही स्लोली स्लोली जनसंख्या बढ़ी लेकिन 1951 से 1981 तक क्या है जनसंख्या बढ़ी लगभग दो गुनी हो गई यहाँ पे बढ़ के ठीक है अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर अगर हम देखें तो 1961 से अगर गए, कहेंगे गाइस तो 81 तक 61 से 81 तक पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसको क्या कहा जाता है महाविस्फोटक वर्ष कहा जाता है महाविस्फोटक दशक ठीक है वहीं पे आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने क्या किया था तो लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या करवाया था नसबंदियां करा दी थी है ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी है ना तो 1961 से 81 का पीरियड था तो याद रखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही तेज गति से बढ़ी थी चलिए सर्वप्रथम मौर्य में जनगणना हुई थी जनगणना मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो स्वीडन में सबसे पहले जनगणना कराई गई व्यवस्थित तरीके से ठीक है 1749 में बता चुकी हूं मैं लेकिन अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें

जनगणना गृह मंत्रालय आपकी होम मिनिस्ट्री का विषय है इसको याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि जनगणना किस मिनिस्ट्री किस मंत्रालय का विषय है तो आपके गृह मंत्रालय का विषय है राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना सन 2000 में हुई गाइस जो राष्ट्रीय जनगणना आयोग है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुई सन दो में हुई तो याद रखेंगे और सन 2000 सन 2000 में ही गाइस आपका क्या हो, आया था नई जनगणना पॉलिसी नई जनगणना पॉलिसी भी सन 2000 में आई थी तो उसे भी आप याद रखेंगे ठीक है चलते हैं देखते हैं आगे 2001 में 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या सात अरब है 2011 की अगर बात कर रहे हैं हम तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है सात अरब है मुझे कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि इस टाइम 2022 तक का आंकड़ा क्या है पॉपुलेशन का मुझे कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि पिछले दस साल में अब हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है कोई भी अगर जानता हो तो प्लीज कमेंट करें चलिए बच्चे थम अप कर रहे हैं चलिए अच्छा लग रहा है तो चलते हैं मुझे बताएंगे अभी पॉपुलेशन क्या है वर्ल्ड की बीस से चालीस डिग्री के बीच नॉर्थ में विश्व की पचास प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है हम पीछे देख चुके हैं ठीक है बीस से चालीस डिग्री और सबसे ज्यादा जो है पैंतीस डिग्री नॉर्थ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है भाई पैंतीस डिग्री नॉर्थ वही वाला रीज़न है जहां हमारे भारत का तो सिर आ जाता है और चाइना वाला रीजन और अगर हम चाइना से उधर उधर चलते जाएँ तो धीरे 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 दे धीरे उधर देश आते जाते हैं सारे पॉपुलेशन वाले देश हैं ठीक है तो इसीलिए थर्टी फाइव डिग्री पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है तो इसको छोटा सा फैक्ट है कुछ नहीं है दो में विश्व का जनसंख्या घनत्व फिफ्टी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था अगर 2011 के आंकड़ों को देखें तो वर्ल्ड का जो जनघनत्व था कितना था इक्यावन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था लेकिन अगर एशिया का देखें एशिया का जनसंख्या घनत्व देखें देखें तो तो 94 व्यक्ति 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था वहीं अगर हम भारत का देखें, हमारे प्यारे भारत का का हमारे प्यारे ये आप मुझे बताएंगे कितना जनघनत्व है फिर मैं बताऊंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि हमारे प्यारे भारत की इस समय जनघनत्व कितना है ठीक है चले भारत में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या संख्या देखेंगे किस लेकिन एट्टी परसेंट लगभग हिंदू लोग निवास करते हैं भारत में मुस्लिमों का आंकड़ा जो है तेरह परसेंट मुस्लिम निवास करते हैं ईसाई टू पॉइंट थ्री फोर दो पॉइंट तीन चार परसेंट निवास करते हैं सिख एक परसेंट और सबसे कम

थोड़ा सा चूक गए अब आते हैं बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से देखेंगे हम कि राज्यों में राज्यों का क्रम देखेंगे ठीक है जनसंख्या में साक्षरता में हर चीज में चलिए थोड़ा ट्रिकी तरीके से तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया वाइज क्षेत्रफल वाइज ठीक है क्षेत्रफल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम देखेंगे देखिए यहाँ पे छोटी सी ट्रिक है राग क्षेत्र अंडाल राग क्षेत्र अंडाल क्षेत्र का मतलब है बच्चे क्षेत्रफल ठीक है तो ये पॉइंट हमने हटा दिया क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी में देखेंगे हम राग से राजस्थान से, रा गा से गोवा ठीक है तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है माय डियर राजस्थान एंड सबसे छोटा राज्यों की बात हो रही है बच्चे ये स्टेट्स की बात हो रही है सबसे छोटा है गोवा ठीक है अब देखते हैं अंडाल ठीक है तो अंड से अंडमान निकोबार ठीक है और ला से अंडा से अंडमान निकोबार ठीक है और ला से क्या होगा लक्षद्वीप होगा तो ये क्या हुआ अंडमान निकोबार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है एंड लक्षद्वीप क्या है सबसे छोटा है कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता सक, बता सकता है कि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बनी है तब से अब भारत का का ये तो मैं 2011 2011 का आपको बता रही टू ना जनगणना का डाटा अब मुझे बताएंगे सबसे बड़ी हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं मान जाऊंगी मेरी क्लास का वो चाणक्य है जल्दी से मुझे जल्दी बताएंगे ठीक है तो देखते हैं क्रम राजस्थान सबसे बड़ा मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे और महाराष्ट्र थर्ड पे है क्षेत्रफल में ओके बच्चे चलते हैं हैं आगे अब देखते हैं जनसंख्या में जनसंख्या में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। देखते हैं हैं ठीक है पे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है ठीक है सबसे कम है ये हो गया स्टेट्स का ठीक है लेकिन अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी का तो दिल से दिल्ली ला से लक्षद्वीप दिल्ली की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा है दिल्ली का माइडियर जन घनत्व भी सबसे ज्यादा है ठीक है चलिए और लक्षद्वीप की जनसंख्या क्या है सॉरी हाँ, लक्षद्वीप की सबसे कम है ठीक है तो उसको याद रखेंगे क्योंकि लक्षद्वीप क्या है ना एजुकेशन के मामले में भी यूनियन टेरिटरीज में काफी उच्च है तो उसकी पॉपुलेशन ऐसी है चलिए तो देखते हैं मैंने ओके चलिए देखते हैं बच्चे पुरुष जनसंख्या अब हम देखते हैं पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में तो 62 करोड़ है लगभग जो कि 51.47 परसेंट है ठीक है महिला जनसंख्या अट्ठावन करोड़ है लगभग जो कि 48.53 परसेंट है

कुल जनसंख्या देख चुके हैं 121 करोड़ है सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है गाईस? उत्तर प्रदेश की है लगभग 20 करोड़ है 19.98 करोड़ ठीक है देश की कुल जनसंख्या का 16.51 पॉइंट प्रतिशत कहा उत्तर प्रदेश में निवास करता है भैया बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ठीक है सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरा राज्य कौन है महाराष्ट्र है ठीक है न्यूनतम देख चुके हैं गाइस यहाँ पे सिक्किम की है न्यूनतम जनसंख्या ठीक है बच्चे चलते हैं आगे आगे देखते हैं लिंगानुपात लिंगानुपात में देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ओके okay, बच्चे चलिए ले के हरिपद इसकी ट्रिक क्या होगी ले के हरिपद ठीक है ले से हमारा लिंगानुपात होगा सीधा सीधा फैक्ट हो गया ठीक है के से केरल होगा बच्चे केरल ठीक है हरि से हरियाणा ठीक है तो अगर राज, राज्यों में देखें तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है यानी सबसे अच्छा है और हरियाणा का सबसे कम है यानी सबसे खराब है ठीक है अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज में देखें तो बच्चे ठीक है पास पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है सबसे ज्यादा है और दमन एवं दीप का लिंगानुपात सबसे कम है ठीक है तो देखते हैं लिंगानुपात ओवरऑल कितना, कितना है? है, मतलब है? है, है. सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का देख चुके हैं एक हजार पुरुषों पर एक हजार चौरासी महिलाएं हैं यानी बहुत ही अच्छा है ठीक है चलिए बराबर से भी ज्यादा है दूसरे नंबर पे तमिलनाडु तीसरे पे आंध्रा है लिंगानुपात में ठीक है अच्छी काम करने में न्यूनतम लिंगानुपात में भाई हरियाणा है जिसका आठ सौ उन्यासी लिंगानुपात है ठीक है तो याद रखेंगे फिर नीचे से ये क्रम है चलिए चलिए आगे देखते हैं बच्चे तो देखते हैं शिशु लिंगानुपात अब आते हैं गाइस वो तो था ओवरऑल भारत का लिंगानुपात अब देखते हैं शिशु लिंगा अनुपात राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का दोनों को हम साथ साथ देख के चल रहे हैं मैं बता चुकी हूँ ठीक है चलिए तो शिवलिंग अरहर आदि शिवलिंग अरहर आदि इसकी ट्रिक होगी शिवलिंग से होगा माय डियर लिंगानुपात, शिवलिंग से शब्द पकड़ेंगे शिशु लिंगानुपात देखेंगे अब अरहर से अर माने अरुणाचल प्रदेश हर यानी हरियाणा ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है सबसे अच्छा है सबसे ज्यादा है और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात सबसे खराब यानी सबसे कम है ओवरऑल भी हरियाणा का सबसे खराब था शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा का सबसे खराब है भाई सिंपल है जब बच्चे ही बच्चियां ही नहीं पैदा होने देंगे तो आगे बड़े लोगों का लिंगानुपात तो वैसे ही खराब हो जाएगा है ना चलिए अब देखते हैं आदि ठीक है तो अंडमान निकोबार का लिंगानुपात क्या है सबसे अच्छा है और दिल्ली का क्या है बच्चे सबसे खराब लिंगानुपात है ओके बच्चे देखते हैं इंडिया का शिशु लिंगानुपात नौ है इंडिया का ओवरऑल शिशु अनुपात देखा जाए तो एक हजार बालकों पे नौ सौ उन्नीस बालिकाएं हैं ठीक है थीके? तो याद रखेंगे जनसंख्या का जो कि तेरह पॉइंट छह परसेंट है ठीक है तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको चलिए साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब देखते हैं भाई थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ आते हैं थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ आते हैं इसमें देखते हैं हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को तो साक्षरता ट्रिक को रट लेना क्योंकि इस ट्रिक से अभी तीन पॉइंट देखने वाले हैं हम तो स्कर्वी लदा। स्कर्वी स सा से साक्षरता ठीक है, है? तो है, है साक्षरता में सबसे उच्च है और बिहार सबसे निम्न है साक्षरता में ठीक है ल से लक्षद्वीप दा से दादर एवं नागर हवेली लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे ज्यादा है सबसे अच्छी है और दादर एवं नागर हवेली की सबसे खराब है ठीक है यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है बच्चे ये और ये हो रही है आपकी स्टेट्स की बात ठीक है समझ में आ रहा है सभी बच्चे समझ पा रहे हैं एक बार से मुझे फिर से बच्चे करेंगे कि मैम हमें समझ में आ रहा है सभी बच्चे समझ में आ रहे हैं वैसे बच्चे कह तो रहे हैं पूजा पूजू हिमांशु क्रेजी सभी कह रहे हैं जी मैम जी मैम मतलब सेशन समझ में आ रहा है लेकिन एक बार से आइडिया फिर से थम अप करेंगे कि मैम सेशन समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से ठीक है और अपने दोस्तों में लाइक like, शेयर अपने दोस्तों में बच्चे जरूर करेंगे और लाइक करेंगे बस आपके लाइक से क्या होता है ना एक अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ लाइक का मतलब होता है कि हाँ बच्चों को मेरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए बच्चे लाइक दे रहे हैं ठीक है तो एक लाइक करेंगे प्यारा सा अपने जैसा प्यारा सा और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में ठीक है चलिए अच्छा बच्चे थम अप कर रहे हैं उमेश कई बच्चे थम अप कर रहे हैं हिमांशु पूजू पूजू कैसे किसी प्यारे, प्यारे नाम है तो सभी सब, सभी को समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं तो देश की कुल साक्षरता सेवेंटी फोर परसेंट है गाइस अगर इसका प्रॉपर आंकड़ा देखें तो सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट है ठीक है 74.04 फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट है साक्षरता लेकिन ये गाइस अभी मैंने अपडेट कर दी है साक्षरता 73% थी सभी को पता है 73% थी पहले ठीक है 73% कुछ पॉइंट में थी चले 2001 की साक्षरता दर देखें तो 64.8% है ठीक है 2001 की साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता केरल की देख चुके हैं कितनी 94% इसीलिए कहा जाता है कि केरल ने अपने साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है अगर कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसने अपने साक्षरता के लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल कर लिया है तो वह होगा केरल ठीक है बच्चे चलिए दूसरे पे मिजोरम है ठीक है और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट है ठीक है याद रखेंगे नीचे से चलिए अब अब देखते हैं पुरुष साक्षरता देखिए वही चलेगा स्कर्भी लदा, स्कर्भी लदा वही चलेगी एजुकेशन में पुरुष साक्षरता में भी वही केरल उच्च पे है बिहार सबसे निम्न है लक्षद्वीप सबसे उच्च है यूनियन टेरिटरीज में और दादर एवं नागर हवेली सबसे निम्न है ठीक है तो वही है सेम ठीक है पुरुष साक्षरता देखते हैं कितनी है अस्सी है सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 96.02 परसेंट ठीक है दूसरे नंबर पे मिजोरम है तो याद रखेंगे न्यूनतम साक्षरता पुरुषों की बिहार में है 71. वन पॉइंट ठीक है चलिए अब देखते हैं देखिए फिर से वही ट्रिक आ गई लदा यहां पे महिला साक्षरता देख रहे हैं हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में में तो देखते हैं फिर से वही केरल की महिलाओं में सबसे ज्यादा है ओवरऑल भी सबसे ज्यादा थी महिला पुरुष दोनों में सबसे ज्यादा है बिहार की ओवरऑल भी सबसे कम थी महिला पुरुष दोनों में भी सबसे कम है लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरीज में देखें तो ओवरऑल भी साक्षरता सबसे ज्यादा थी महिला पुरुष दोनों में भी ठीक है और दादर एवं नागर हवेली की देखें तो ओवरऑल भी यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे कम थी साक्षरता और महिला पुरुष में भी सबसे कम है तो ये तीन ट्रिक से आपके तीन क्वेश्चन यहाँ सेम सेम याद हो गए तो चीजों को हमें कनेक्ट करना है कि हमें एक जैसा कहाँ मिले जिससे हमें याद करने में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े है ना चले अच्छा मैम जी थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा अरे नहीं बच्चे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए क्लास में चले कोई नहीं मेरी लाइफ आपके हाथ में है क्या बच्चे हैं मतलब मेरी लाइफ आपके हाथ में है चलिए कोई बात नहीं आपकी लाइफ को सेव करते हैं हम ठीक है चलिए तो देखते हैं माय डियर बच्चे थोड़ा सा ना इस सेशन को ना थोड़ा सा तेज चलाने का मतलब क्या है ना देखिए आप तो इसको स्लो करके भी देख सकते हैं स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं लेकिन जो महा पे हम मैं आपको कंटेंट दूंगी ना थोड़ा स्लो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपकी क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो लेकिन कोई नहीं हम आपकी जान को संभाल के रखेंगे चलते हैं आगे धीरे करते हैं महिला साक्षरता कितनी है गाइस सिक्सटी फोर परसेंट है ठीक है सर्वाधिक साक्षरता केरल की है बानवे पॉइंट वन परसेंट दूसरे नंबर पे मिजोरम है बिहार की न्यूनतम है जो की इक्यावन पॉइंट पांच प्रतिशत है, है साक्षरता में ठीक है महिलाओं के मामले में तो बहुत ही है चलिए दूसरे नंबर पे राजस्थान है नीचे से पुरुषों की तब भी ठीक थी सेवनटी वन थी लेकिन महिलाओं के बच्चे बहुत कम है चलिए देखते हैं जन घनत्व अब आते हैं बच्चे जन घनत्व जनसंख्या घनत्व ठीक है जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसके बारे में देखते हैं इसमें भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इनके बारे में देखेंगे तो जनघन बियर दिया जन घन बियर दिया ट्रिक है जनघन से जनघनत ठीक है जनघनत सीधा सीधा पॉइंट हो गया तो जनघनत्व में देखते हैं बे से बिहार अर से अरुणाचल प्रदेश तो जनघनत्व के मामले में गाइस बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व कितना है ग्यारह 1106 सौ छह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है ठीक है बहुत ज्यादा जनघनत्व है सबसे ज्यादा डेंसिटी है बिहार की राज्यों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में सत्रह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है सबसे कम है ये हो गया आपके राज्यों का आंकड़ा अब तो स्पीड सही है अब तो अटैक आने वाला नहीं है ना चलिए देखते हैं यूटीस का ठीक है तो दी आ, दे से दिल्ली आ से अंडमान निकोबार ठीक है दिल्ली का जनघनत्व सबसे ज्यादा है बच्चे ठीक है पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा दिल्ली की है जनसंख्या भी अंडमान निकोबार का जनघनत्व सबसे कम है भाई ट्राइबल्स रहती है वहां पे दूर-दूर दूर-दूर रहते हैं सबसे कम है देखते हैं ओवरऑल जनघनत्व 382 है बता चुके थे आपको पीछे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का जनघनत्व बच्चे और तीसरे पे तु... तीसरे पे किसका है केरल का जनसंख्या घनत्व है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है अरुणाचल प्रदेश का है सत्रह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं ठीक है तो इन छोटे छोटे फैक्टों को आप याद रखेंगे मैं इस चीज को आप इस चीज का आपसे दावा कर सकती हूँ बच्चे जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ना भाई इससे बाहर आंसर नहीं जाने वाला इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला कुछ ज्यादा ही एग्जामिनर का दिमाग खराब हो ना कि नहीं भाई हम तो घास फूस भी पूछेंगे ठीक है तो कुछ भी कूड़ा का भी पूछने का उसका मन हो तो पूछ सकता है नहीं तो मैंने सेंसस से ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं जो ये जहां से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो यहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा ऐसे ही पूछा जाता है बहुत ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि जहां से पूछा जाता है वो सारे पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं ठीक है बच्चे चलिए अब देखते हैं बच्चे हम एस सी और एस टी एस सी और एस टी के बारे में देखते हैं कुछ इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बोर्ड पे आएंगे मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे क्योंकि पे मैं परसेंटेज में भी और पॉपुलेशन दोनों में मैं आपको दिखाऊंगी देखिए एससी जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं है, है ना अनुसूचित जाति कितनी है पूरे ओवरऑल भारत में सोलह पॉइंट छीक है थीके? और जनजाति कितनी है आठ पॉइंट छ परसेंट ठीक है तो देखते हैं जो एस है हमारी पंजाब में सबसे ज्यादा है अगर हम प्रतिशत की बात करें अगर हम परसेंट में देखें प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा एस यानी अनुसूचित जाति कहाँ रहती है पंजाब में निवास करती है लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें बच्चे अगर हम जनसंख्या में देखें माय डियर तो सबसे ज्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती है एस पॉइंट समझ में आ गया सबसे ज्यादा SC अगर हम देखें परसेंट में तो पंजाब में निवास करती है लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के मामले में देखें सबसे ज्यादा जनसंख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में है ठीक है दोनों ही पॉइंट अपने आप में अलग हैं अब आते हैं हम एसटी पे उसमें भी यही पॉइंट होगा ठीक है एसटी ओवरऑल कितनी है भारत में ओवरऑल जनसंख्या का 8.6 परसेंट भारत में निवास करती है ठीक है एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ठीक है तो देखते हैं अनुसूचित जनजाति कितनी है तो ये एमपी ये एमपी है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जनजाति रहती है है ना अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा लेकिन अगर माय डियर परसेंट में देखें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है अगर परसेंट में देखें फिर से रिपीट करते हैं बोर्ड पे आएंगे अगर हम पॉपुलेशन में देखें जनसंख्या में देखें तो सबसे ज्यादा एस टी में मध्य प्रदेश में निवास करती है लेकिन अगर वही चीज हम किसमें देखें परसेंट में देखें तो बच्चे माई डियर किसमें मिजोरम में सबसे ज्यादा जनजाति अनुसूचित जनजाति निवास करती है ठीक है तो दोनों पॉइंट को समझ गए अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में एक भी एस नहीं है है ना या एक भी एस नहीं है ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पॉपुलर होता है बहुत ज्यादा बनता है बनता तो ध्यान रखेंगे नागालैंड अरुणाचल प्रदेश दोनों में एस नहीं है भाई एक भी एस निवास नहीं करती कहा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों में एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती ठीक है अब देखते हैं हरियाणा और पंजाब हरियाणा और पंजाब दोनों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती हरियाणा और पंजाब दोनों में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती समझ में आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों पॉइंट से ओके बच्चे चलिए देखते हैं साइलेंट गर्ल कह रहे हैं सही पढ़ा रहे हो मैम जी थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए तो बच्चे सेशन अच्छा लग रहा है ना बस यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगे ये मेरी पहली क्लास है अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो हम ऐसे ही बस क्लासों की बारिश कर देंगे पूरी तरीके से है ना रोज क्लास आपके इतने प्यारे प्यारे इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके लिए हम जीके की क्लास लेके आए करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं आगे अब देखते हैं बच्चे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में भी कुछ देख ले रहे हैं चलिए सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है बच्चे ये मैं क्यों ऐसे, ऐसे फैक्ट बता रही हूं आपको ये परसेंट में देखें पॉपुलेशन में देखें क्यों बता रही हूँ ऐसे फैक्ट इसलिए बता रही हूँ बच्चे क्योंकि एग्जाम का नेचर जो हो गया ना आजकल इतना डीप हो गया ना कि बच्चे कहते हैं नहीं हमने तो ये पढ़ा था मैम और ये हमारा गलत कैसे हो गया वो गलत ऐसे ही होता है वो पूछ लेते हैं कि प्रतिशत में या जनसंख्या में तो हर पॉइंट पकड़ेंगे इसीलिए मैंने ये आपके लिए इतनी मेहनत करी है है पे ठीक तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंट में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है ठीक है अब इन तीन पॉइंट को हम देखते हैं बच्चे इनको सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें परसेंट में तो गोवा में निवास करती है सर्वाधिक नगरीय यानी शहरी जनसंख्या अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो गोवा में लेकिन अगर अगर हम पॉपुलेशन में देखते हैं तो माई डियर कहां पर? में सबसे ज्यादा जो या शहरी जनसंख्या निवास करती है लेकिन पॉपुलेशन में, में देखें, शहरी लोग, शहरी में, तो में। में देखें माई डियर तो कहां पर है महाराष्ट्र में है ना सभी को पता है महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है ठीक है चलिए और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या न्यूनतम नगरी या शहरी जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है ठीक है पॉइंट समझ में आ गए चारों चलिए आगे देखते हैं यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज आपकी यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों का भी देख ले रहे हैं भाई छोड़े छोड़े क्यों क्यों कुछ कुछ भी चलिए कहां से एग्जाम पूछ ले एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है तो कुछ भी क्यों छोड़े अब देखते हैं सर्वाधिक नगरीय सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है अगर हम यूनियन टेरिटरी की दृष्टि से देखें लेकिन न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार में निवास करती है अगर हम यूनियन टेरिटरी की दृष्टि से देखें ठीक है वो तो आपका राज्यों में था स्टेट्स में था लेकिन पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है तो भैया नई दिल्ली में और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस में तो अंडमान निकोबार में ठीक है बच्चे शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश में है समझ पा रहे हो पॉइंट को अगर उत्तर प्रदेश की यूपी का एग्जाम देते हो ना ज्यादातर बच्चे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या है सबसे सब कम साक्षरता दर है शहरी क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश के तो शहर है ना जो वहां पर भी भैया साक्षरता दर क्या है बच्चे बहुत कम है सबसे कम है भारत में शहरों में 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 शहरों भी ठीक है है तो याद रखेंगे शहरी क्षेत्र न्यूनतम साक्षरता दर यूपी में है और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर आंध्र प्रदेश में है ठीक है बच्चे दोनों पॉइंट समझ में आ गए अब चलते हैं आगे अब कुछ और आपके की पॉइंट देख ले रहे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं ठीक है चलिए तो देखते हैं तो देखते हैं बच्चे ओके चलिए बच्चे कह रहे हैं मैम वेरी नाइस क्लास भाई थैंक यू थैंक यू सो मच चलिए देखते हैं जनगणना का शुभारंभ जो 2011 की जनगणना है यहाँ पे फिर से थोड़ा स्पीड में चलने वाले हैं तो जिसको भी अटैक आए प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि पॉइंट्स हैं तो थोड़ा स्पीड में ही चलना पड़ेगा जनगणना का शुभारंभ दो की का सॉरी सु, शुभंकर सु, शुभंकर क्या है प्रगणक शिक्षिका प्रगणक शिक्षिका है मतलब एक लड़की ऐसे बुक लेके खड़ी रहती है वह इसका क्या है शुभंकर है ठीक है ऐसे सूट सलवार पहन के खड़ी रहती है प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे गाइस डब्ल्यू ब्लाडेन डब्ल्यू प्लाडेन जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर जनगणना कमिश्नर से मतलब होता है जो उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है ठीक है तो प्रथम जनगणना कमिश्नर अगर देखे जाए तो डब्ल्यू प्लाडेन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे स्टार लगा लीजिए स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आयुक्त से मतलब जो जनगणना कराने वाले सबसे बड़े अधिकारी हैं ठीक है थीके? वे कौन थे प्रथम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के तो आर ए गोपाला स्वामी ठीक है पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई भैया ऐसे पॉइंट इकतीस सीधा सीधा क्वेश्चन डाल देगा कि बताइए पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई तो कब हुई 1931 में हुई ठीक है बच्चे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है जो हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ठीक है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड में गाइस 2011 की जनगणना में क्या हुआ सिर्फ एकमात्र राज्य था जहां पे जनसंख्या क्या है नेगेटिव में चली गई माइनस जीरो कहाँ की नागालैंड की जनसंख्या थी जहां पे घटी थी ठीक है तो याद रखेंगे ये पॉइंट से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है थाने है, महाराष्ट्र का ठीक है थाने तो याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का ठीक है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला महाराष्ट्र का थाने और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दिवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का ठीक है अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी जनगणना तो बहुत कम है तो याद रखेंगे भारत की जनगणना 2000 का जनगणना आयुक्त तो सी चंद्रमौली है ठीक है ये तो स्वतंत्र भारत की जनगणना के प्रथम जनगणना आयुक्त थे बच्चे लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है पूछ लिया जाए क्या बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है तो कौन है सी चंद्र मौली है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फैक्ट ठीक है चलिए अब देखते हैं बच्चे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि दर यहाँ पे बच्चे दशकीय दशकीय वृद्धि दर की बात हो रही है डियर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किस राज्य की रही है ये क्वेश्चन कह रहा है पे तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर मेघालय की रही मतलब दस वर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कही जाए कहाँ बढ़ी तो मेघालय की रही है सत्ताईस पॉइंट आठ दो परसेंट बड़ी है और सबसे कम की अगर बात करें डियर तो नागालैंड की रही है मैंने आपको बताया था यहाँ तो नेगेटिव में पॉपुलेशन रही थी नेगेटिव में चली गई थी जीरो परसेंट माइनस में ठीक है तो सबसे कम नागालैंड की दर रही, बच्चे तो याद रखेंगे ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया की तो नगरीय जनसंख्या इंडिया में कितनी है गाइस 31.2 परसेंट है एंड अगर हम विलेजेस की बात करें ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कितनी है सिक्सटी है इंपॉर्टेंट है नोट कर लेंगे ठीक है की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में सबसे युवा देश है ठीक है सबसे यंग सबसे युवा देश है भारत क्योंकि यहाँ पे युवा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ठीक है इसीलिए युवा भारत कहा जाता है भारत को ठीक है महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई की है फिर दिल्ली फिर कोलकाता फिर चेन्नई अगर हम महानगरों की बात करें एक तो नगर होते हैं दूसरे होते हैं महानगर अगर हम महानगरों की बात करें डियर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है मुंबई शहर की है फिर दिल्ली फिर कोलकाता फिर चेन्नई ठीक है चलिए देखते हैं 2011 में पहली बार देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लाया गया ठीक है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एन पी आर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कब लाया गया तो कब माइडियर दो हजार ग्यारह में लाया गया ठीक है तो याद रखेंगे नई जनसंख्या नीति कब लाई गई थी सन 2000 में लाई गई थी नई जनसंख्या नीति मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब दशकीय वृद्धि दर में थोड़ा सा देख ले रहे हैं बच्चे राज्य हमने पीछे देख ही लिए थे सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हमने पीछे राज्यों में देखी थी ना मिजोरम में सबसे ज्यादा थी दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में सबसे कम थी देख चुके हैं हम लेकिन हम यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे बच्चे हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि देखेंगे तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली में सबसे ज्यादा भैया लोगों की वृद्धि हुई सबसे ज्यादा बड़े दस साल में लोग

कल मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत प्यारे से टॉपिक के साथ आप लोगों से हम ठीक है तो सभी जब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे अपना ख्याल रखेंगे चलिए गाइस जय हिंद जय भारत